कुंभ नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धन और भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो दर्शकों, 31 अगस्त 2022 की शाम 4:05 पर शुक्र कर्क राशि से निकलकर आपकी राशि यानी सिंह राशि में ही प्रवेश करने वाले हैं और 24 सितंबर 2022 तक यानी अगले 24 दिनों तक आपके राशि में ही शुक्र का संचरण रहने वाला है। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसका सिंह राशि के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी नवग्रहों में शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा जाता है और इनको विशेष रूप से व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, पत्नी और प्रेम जीवन का, सजावटी वस्त्र और चटपटे भोजन का विशेष रूप से कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शुक्र का प्रभाव रहता है। शुक्र को वृषभ और तुला राशि का स्वामी माना जाता है और इनकी स्थिति यदि जन्म कुंडली पर अनुकूल हो तो कई प्रकार की संभावना व्यक्ति के जीवन में देखने के लिए मिलती है। शुक्र बलि हो तो जीवन में हर प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख जातक के जीवन में मिलता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में जातक को सुखों का सामना, सुखों की स्थितियां देखने के लिए मिलती है और ऐसा जातक अपने वाणी और व्यक्तित्व के द्वारा काफी ज्यादा मान सम्मान अर्जित करता हुआ नजर आता है। शुक्र की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर मजबूत हो तो ऐसे जातक को संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य इन विधाओं में कम प्रयास में ही बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। अब शुक्र यदि जन्म कुंडली पर पीड़ित हो जाए, खराब हो जाए तो कई समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। शुक्र पीड़ित हो तो व्यक्ति को गुप्तांगों में समस्या, गुप्तांगों में रोग, आर्थिक संकटों का सामना जीवन में हमेशा करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन के मामले में शुक्र के पीड़ित होने पर समस्याएं जीवन में बनती है। वहीं ऐसे जातक को शुक्र यदि जन्म कुंडली पर पीड़ित हो तो ऐसा जातक मानसिक रूप से भी काफी ज्यादा विक्षिप्त होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो आपके राशि के लिए शुक्र तीसरे और दसवें भाव के स्वामी होते हैं और 31 अगस्त 2022 को आपके राशि के लगन भाव में शुक्र का गोचर होने वाला है। राशि के लगन भाव से व्यक्ति के शरीर, आचार, विचार, चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। शुक्र के साथ आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव भी मौजूद रहेंगे, तो इस दौरान सिंह राशि वाले जातकों के लिए कई प्रकार की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। लगन पर शुक्र का प्रभाव रहने से आप अपने वाणी के द्वारा लोगों के अंदर अपनी छटा बिखेरने के लिए समर्थ रहेंगे। भौतिक सुखों की वृद्धि होने की संभावना बन रही है। यदि पूर्व के समय से आपके जीवन में भौतिक सुखों की कमी बनी हुई थी उसमें वृद्धि होने की संभावना बनेगी। इस दौरान करियर के मामले में आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। इस दौरान सिंह राशि वाले जातक काफी ज्यादा अपने आप को रोमांटिक अंदाज से प्रस्तुत करते हुए नजर आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए यह गोचर काफी ज्यादा सुखद रहेगा। यदि कुछ विवाद आपके वैवाहिक जीवन में चल रहे थे उसमें सुलह होने की संभावना बनेगी। इस गोचर काल के दौरान आर्थिक जीवन में आपको बड़ी सफलता और धन के आगमन होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। रंगमंच से जुड़े हुए कलाकार, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य इन विधाओं में जो जातक जुड़े हुए हैं या ऐसे जातक जो ज्वेलरी का काम करते हैं, बुटीक की दुकान यदि आपकी है या फैशन से जुड़े हुए किसी भी काम में यदि आप संलग्न हैं तो इन सभी क्षेत्रों में आप काफी ज्यादा लाभ कमाने वाले हैं।
इस दौरान सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र के गोचर काल के दौरान आपके विचारों में एकाग्रता देखने के लिए काफी ज्यादा मिलेगी और शारीरिक और मानसिक रूप से आप काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। कुछ सावधानी भी आपको रखनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी, सिंह राशि वाले जातकों को अति उत्साह से बचने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। और दूसरी सावधानी आपको यह रखनी है कि व्यक्तिगत जीवन में यदि कोई भी आपसे अनुभवी व्यक्ति आपके घर में या आपके व्यक्तिगत जीवन में जुड़े हैं, उनके अनुभवों को जीवन में जरूर लेना चाहिए और लेकर ही आप जीवन में चलें, तो यह गोचर आपके लिए बेहतर रहेगा। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो इस दौरान आपको शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के ऊपर लाल पुष्प अर्पित करना बेहतर रहेगा। और सिंह राशि के जातक यदि शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से 72 मिनट के उपरांत यदि आप माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने विशेष रूप से श्री सूक्त का पाठ करते हैं और खीर का यदि आप भोग लगाते हैं, तो यदि आपके जन्म कुंडली पर शुक्र की स्थितियां खराब बनी हुई है, उससे आपको राहत मिलेगी और आपके जीवन में दुष्प्रभाव दूर जरूर होगा। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।